अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक अच्छी और नई वीडियो लेकर आए हैं। रोज़ की तरह, हमेशा की तरह, हम चाहते हैं आप लोगों के साथ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो हमने खुद सीखा आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, ये हमारी बहुत मेहनत होती है कि हम अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के एक नॉलेज के लिए, फ़ायदे के लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम दिया होता है, वहाँ जाके इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, वहाँ हमें किसी किस्म का भी मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है? हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को हर चीज़ एट होम रेमेडीज़ में बताई हुई है कि अगर आप महंगे महंगे ब्रांड के आप चीज़ें इतना नहीं कर सकते तो आप लोग घर में भी बना सकते हैं, ठीक है ना? तो जैसे कि मैंने आज कंडीशनर के बारे में बताऊँगी कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के कंडीशनर होते हैं। तो जैसे कि अगर आप घर में ख़ुद बना लेते हैं और उसको आप 1 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जैसे कि आप स्टोर करके फ्रिज में रख दें और उसके बाद जब आपको यूज़ करना उससे पहले आप थोड़ी देर पहले निकालें उसको, थोड़ा सा हल्का सा यानी कि रूम टेम्परेचर जितना वो हो जाए ठंडा, तो फिर अपने बालों में वॉशरूम में ले जाओ और अपने बालों में लगा लें, ठीक है? तो कंडीशनर बहुत इजी और छोटे छोटे स्टेप से बना हुआ है, बहुत फ़ायदेमंद है। आपको पता है जो चावल है, चावल तो हमारे लिए वैसे ही हमारे बालों के पीएच लेवल को अच्छा रखता है। इसके अंदर विटामिन ई, बी, सी होता है जो हमारे बालों को फ़ायदा देता है, बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है, बाल जहाँ से ग्रे जो वाइट बाल होता है उनको भी कवर करता है और बाल घने करता है और लंबे करता है जल्दी से। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले तो हमें राइस चाहिए जो कि मैंने ज़्यादा वाले बॉइल्ड कर लिए हैं, यानी कि इसकी जो कसर है वो ज़्यादा बॉइल्ड कर लिया, जो ऐसे करूँ तो मैश हो जाए, ठीक है ना? वाइट राइस हो गए मेरे पास, इसको मैंने बॉइल्ड किया है। कैस्टर ऑयल लिया, ठीक है, और थोड़ा सा चाहिए होगा वाटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, राइस को ब्लेंडर में डालना है, इसके 3 से 4 चम्मच जो चाय वाले चम्मच होते हैं छोटे, 4 चम्मच डालें, कैस्टर ऑयल के डाल दें और वाटर डालें। इतना वाटर डालना है आपने कि आप जब बाद में इसको छाने ना तो आपका जो चावल है वो ऊपर आ जाए, जो चावल का पानी और जो मिक्सचर होगा ना वो सारा नीचे छन के आ जाए, ठीक है ना? तो इन 3 चीज़ों को मैं ब्लेंड करती हूँ, ब्लेंड करने के बाद आपको दिखाती हूँ किस टाइप का मिक्सचर बनेगा। जैसे कि फ्रेंड हमारे पास ये ब्लेंडर है, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने ये पूरे राइस डालने हैं, ठीक है। ये राइस डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आप इसके 4 ढक्कन डाल दें, ये 1 चाय के चम्मच के जितना ही होता है, ठीक है ना? मेरे पास मरहबा की कंपनी का है, आपके पास जोन सी भी कंपनी का है, आप खुला यूज़ करते हैं, आप पार्ट्स उससे लेकर आते हैं, जहाँ से भी लेकर आते हैं आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है? ये 1 हो गया, तीन हो गए और ये 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी आपने थोड़ा सा लिमिट में डालना है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, ठीक है ना? तो अब इसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा मिक्सचर बना, ठीक है? आपने कहीं जाना नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है जी फ्रेंड। जैसे कि ये देखिए मैंने इसको छान लिया, छानने के बाद ये इस तरह का थिक सा कंडीशनर बना है, ठीक है। आपने इसको कैसे स्टोर करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपके पास आइस क्यूब्स पड़ी होंगी, ठीक है ना, आपने इसके अंदर डाल लेना, एक एक करके इसके अंदर डाल लेना, इसको फिल कर लेना है। और जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाएगा तो आपने जब नहाना है या आपने बाथ लेना है, आपने शॉवर लेना है, तो आपने क्या करना है, ये जो फ्रीज़ हुआ होगा उसका 1 क्यूब निकालना है। ये देखें इस तरह ये क्यूब भर गया ना, तो आपने ये क्यूब निकालना है, ये देखें ये क्यूब भर गया, ठीक है। ये 1 क्यूब निकालना है, आपने इसको मेल्ट होने के लिए रख देना है और उसके बाद जब ये मेल्ट हो जाए तो आपने इसको अपने सर पे लगा लेना है, ठीक है, कंडीशनर की तरह। आपने इसको लेंथ पे लगाना है, आप इसको रूट्स में भी लगा सकते हैं, रूट्स पे लगाएंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। जो दूसरे कंडीशनर होते हैं उनको हम रूट्स पे नहीं लगाते हैं, वो लेंथ लेंथ में लगाते हैं, ठीक है ना? तो ये आप रूट्स पे भी लगाते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल आपको पता है बालों में कितनी जान देता है, शाइन देता है और स्मूथ करता है हेयर को। और जो ये राइस है ये हमारे विटामिन ई, बी, सी और पीएच लेवल को अच्छा करता है, जिससे हमारे बाल अच्छे ग्रोथ होते हैं, ठीक है। वाइट ग्रे बाल जो आ रहे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस ये आज की इतनी सी वीडियो है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, आपके प्यार की, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं कल एक और नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।